Hi my lovely stars and angels, welcome to the official YouTube channel of Defense Adda 24/7. This is Vidi and I welcome you all in this beautiful session, guys. Good morning, how are you? How's your studies going on? How's your health? I think absolutely all fine. So today I would like to discuss with you guys UPSC Assistant Commandant, the absolutely exam oriented contents, that is report writing. You will be given two reports writing without any choice, and you have to attempt both the reports in your own words, right? So to coin the sentences, to coin the words, it is absolutely necessary that you practice thoroughly at home, and this is the time to practice. This lockdown time, you can make use the maximum, the optimum use of this time, and you can make it better. Okay guys, so I can see that Atish Kumari, Bhagyashri, Jahin Mitro, Aman Vishkarma, Karan, Priyanka Thakur, the students, they have joined me. I request them to please share the session. Priti, Kevin, Divya, Rajdeep, Pavan, Vasundhara, jitne bhi bachche mere paas aaye hue hain, fatafat ek bar aa jaiye. Kuch ek sentence structure aaj hum sikhenge. 35 minutes, that's it. शुरू से लेके एंड तक एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं होना है, ठीक है? ये आप लोगों को पता है गाइज कि आपका 21 डे फ्री चैलेंजिंग मॉक्स आपके चल रहे हैं. टुडे इज 11th ऑफ द अप्रैल. यू कैन ट्राई दिस यूपीएससी ईपीएफओ पेपर. हियर यू कैन से जीएस विल बी देयर, और यू कैन से योर लिटिल बिट न्यूमेरिकल एबिलिटी विल बी देयर, रीजनिंग विल बी देयर. सो मैं चाहूँगा कि आप जरूर, इस एक बजे फ्री है आप लोगों के पास, आपको सिर्फ हमारा ऐप को डाउनलोड करना है एंड यू कैन हैव द एक्सेस. तो डेफिनेटली पेपर दीजिए और यू कैन बी अ विनर, राइट गाइज? एंड वी यू नो वेरी वेल गाइज दैट वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड आवर और यू कैन से इंट्रोड्यूस द अड्डा एक्सट्रीम पैकेज, इन विच यू कैन हैव द ह्यूज और मैमथ अमाउंट ऑफ वीडियोज, मॉक टेस्ट, ई बुक्स एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑल्सो. जस्ट यू हैव टू लॉग ऑन टू adda247.com एंड यू कैन हैव द एक्सेस हियर. ओके, सो मूविंग ऑन टू टूडेज टॉपिक, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है? ये एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंसिडेंट दैट हैड टेकन प्लेस. कोई रिपोर्ट है आप लोगों की, जो चीज़ें हो चुकी हैं उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है. वो रिपोर्ट आप लोगों ने न्यूज़पेपर जो देखते हो, इस न्यूज़पेपर में जो आपको 200-200 वर्ड का जो पैरा बन के आप लोगों को खबरें जो आती हैं, जो न्यूज़ आती हैं, वो क्या है? वो एक रिपोर्ट ही तो है. एक एक ऑथर होता है, एक एक आप लोगों का यू कैन से जो आपका न्यूज़ का यू कैन से रिपोर्ट राइटर होता है. रिपोर्ट राइटर उसी को तो बोलते हैं कि उसने रिपोर्ट लिखी आप लोगों को दे देता है, ठीक है? टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग होते क्या हैं? रिपोर्ट टू ए न्यूज़पेपर बाय न्यूज़ रिपोर्टर, राइट? न्यूज़ रिपोर्टर उनका नाम होता है. रिपोर्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, एनी स्पेसिफिक पर्पज के लिए बन सकती है. ऑफिशियल रिपोर्ट हो सकती है, कोई रिसर्च रिपोर्ट हो सकती है. चारों पाँचों में से कोई ना कोई एक आ जाएगा. जैसे when the other day, last time when I discussed with you guys the report writing, I took the topic of juvenile abuse, you know very well, right? So this time I have taken absolutely vibrant current topics. और ये आप अगर देखिए कि अगर 9th of the August को आप लोगों का exam आएगा, तो January से लेके और August तक का current affair तो आप पढ़ लीजिए, उसमें से सारा आपका आ जाएगा. April जो है आपका, अप्रैल का जो भी कोई भी आप अगर आप एक मैगजीन ले लेते हैं, तो उसमें फेब का आप लोगों का करंट अफेयर क्लियर क्रैक हो जाएगा. तो एक महीना ही आप लोगों का बचता है. अगर आप आज से भी स्टार्ट कर देते हैं, अप्रैल की कोई मैगजीन आप ले लेते हैं, चाहे आप सिविल सर्विस क्रॉनिकल लो, या आप कोई भी EPW लो, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली लो, या प्रतियोगिता दर्पण भी ले लो इंग्लिश वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आप उनमें से पढ़ो, उनको देखना चाहिए, चीज़ें वही होती हैं. तीन बार जब आप एक न्यूज़ को देख लेते हो, आपने पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा, फिर आपने टीवी वगैरह में सुन लिया, तीसरी बार आपने मैगजीन में पढ़ लिया, तब जाके न्यूज़ एक आप लोगों की पक्की हो जाती है. फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है? ओके गाइज, चलिए. वेल, एडिटर एंड रिपोर्टर राइटर डिफर. अरे यार, एडिटर तो न्यूज़पेपर का देखो, एक पोस्ट होती है भाग्यश्री. न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है, दिस इज़ अ पोस्ट, ठीक है भाई? वो कोई भी चीज़ जाएगी तो वो उससे होके जाएगी, ठीक है ना? वो एडिटर होता है. जैसे आप बोलो सर टीचर और जो आपका हेड टीचर है, वो डिफर होते हैं क्या? ठीक है. अब हमारे जो हमारे फैकल्टी हेड हैं, वो हमारे अरविंद सर हैं. मतलब कोई भी काम जाएगा तो उनसे होके जाएगा, वो खुद एक फैकल्टी हैं, ठीक है ना? तो मतलब ये लगा लो कि जो एडिटर होता है वो सीनियर रिपोर्टर आपका हो गया. ओके, ये तो एक पोस्ट होती है बेटा. चलिए मैं आ जाऊँ क्या सर? बेटा ये बार बार पूछने की जरूरत थोड़ी होती है, जल्दी आ जाइए और आप देखते हैं. अच्छा, टाइटल एक बार देख लो. टाइटल आप यहाँ पर आप टाइटल लिख दोगे, प्लेस और नेम नहीं लिखना,
कभी बोलो कि मेरा नाम तो तजिंदर सिंह है, मेरा नाम तो इतना खूबसूरत है, मेरा नाम तो पूजा ताल्यान है और मैं तो लिखूंगी लिखूंगी, नहीं, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, पूरा पेपर कैंसिल हो जाएगा। नील बट्टे सन्नाटा, नेम लिखना है एक्स वाई जेड लिख दो, ए बी सी डी लिख दो, या ऐसे ही कट ट्रिपल एक्स लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिपल एक्स लिख दो। ओके चलो आगे देखते हैं, ये आज का आप लोगों का, सपोज योर टुडे इज 9th ऑफ द ऑगस्ट एंड यू आर गिवन दिस पर्टिकुलर टॉपिक स्कार्सिटी ऑफ ड्रग्स डिवाइसेस इमिनेंट गवर्नमेंट वॉर्न। नाउ गिव मी अ रिपोर्ट ऑफ 200 वर्ड्स, सबसे पहला सेंटेंस आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, जरा बताओ जरा जल्दी से एक बार, स्कार्सिटी ऑफ ड्रग्स डिवाइसेस इमिनेंट एंड गवर्नमेंट वॉर्न, ये आप लोगों का एक बिल्कुल करंट टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, आप खुद देख लीजिए कि आप लोगों के साथ टीचर कितने आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, कितने साथ आप लोगों के साथ हार्डवर्क कर रहे हैं, ठीक है। जरा पहला सेंटेंस देखिए कौन कौन क्या क्या लिखता है, मैं भी जरा यहाँ चेक कर लेता हूँ आराम से 35 मिनट, जो तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, गलत आती है, सही आती है, जरा एक बार मुझे उसको वोमिट आउट करके जाओ, मैं कम से कम देख तो लूँ, ठीक है। ओके राइटर इज लेखक, सर क्या आपने अपन का होमवर्क चेक किया था कल वाला, यार अगर ये वाले की बात कर रहे हो तो ये मैंने नहीं किया, ठीक है, मैं एक बार अभी बाद में चेक कर लूंगा। ओके चलो आगे देखो, बताओ जरा जल्दी से, कम ऑन, 33 स्टूडेंट्स दे हैव जॉइंड मी, स्कार्सिटी ऑफ ड्रग्स डिवाइसेस इमिनेंट गवर्नमेंट वांट, गुड मॉर्निंग सर, सुनील यादव साहब, सबसे पहले टाइटल आएगा, टाइटल लिख तो दिया बेटा, तभी तो टाइटल लिखा है, ये लो टाइटल आपके सामने आ गया, आइए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अ कंट्री वाइड शॉर्टेज, ध्यान से देखो कितना सेंटेंस का, कितना फ्रेज का, कितना वो एक अपना वजन होता है, ए कंट्री वाइड शॉर्टेज हो गई है ऑफ मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन है भाई, वो हमारी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, ठीक है, मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस जो है हमारे, इज यहाँ पे डिवाइसेस है फिर भी यहाँ पे इज आया हुआ है, आई थिंक अब आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, गॉट इट और नॉट, अब मुझे बताओ ये जो इज आया हुआ है इसका मेन वर्ड कौन सा है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो जरूर बताओगे, अगर आप वैसे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अमिड कोविड 19 लॉकडाउन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कार्सिटी ऑफ ड्रग्स, बहुत बढ़िया पवन बेटा, शाबाश, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी गुड, नाउ अ डेज ड्रग इज वेरी इसेंशियल फॉर एवरीवन, ओके, स्कार्सिटी ऑफ ड्रग्स इज अ वार्निंग बाय गवर्नमेंट टू ऑफिशियल्स, बहुत बढ़िया शाबाश, ठीक है भाई, तीन चार लोग लिख रहे हैं, बाकी भी अपने थोड़े अपने घोड़े आजमाओ, आप लोग जहांगीर मत बोलो, मत बनो, ठीक है, जहांगीर बनने का कोई फायदा नहीं है, और ये हो जाएगा शॉर्टेज, शॉर्टेज इसका मेन वर्ड हो जाएगा, कंट्री वाइड है लेकिन क्या है, शॉर्टेज इज नाउन, ठीक है, फर्स्ट प्रेपोजिशन के पहले वाला जो वर्ड होता है वो आप लोगों का मेन वर्ड होता है। कुछ बातें याद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, अरे बोलो यस सर, थम्स अप तो कुछ तो दिखा दो, बताओ जरा, is likely in the coming weeks, okay, the department of pharmaceuticals की spelling गलत करोगे 101%, इसलिए 5-6 बार लिख देना, pharma पहले pharma लिख दो, pharma pharm में यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, CEUTICAL pharmaceuticals, tickles में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बस CEU का ध्यान रख लेना, फार्मेटिकल्स में CEU आता है, गलत कर दोगे और इंग्लिश का वह जो लेक्चरर होगा जो उसको आपको आपके पेपर को चेक करने वाला वो एकदम से पकड़ेगा। देखो केविन ने सेंटेंस लिखा, पढ़ते हैं, विद द ग्रोइंग राइज इन द कोरोना केसेस द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पुट अ कैप ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ द ड्रग, एब्सोल्युटली ग्रेट सेंटेंस, बहुत बढ़िया, क्या बात है, गॉट इट, एंड अर्जिंग इट टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू हेल्प ड्रग मेकर्स, देखो यहाँ पे हेल्प आ गया ना, जहाँ पे भी बेटे हेल्प आ जाएगा उसके बाद आपकी V1 स्टार्ट आएगा, सेंटेंस में टू नहीं आएगा, टू हेल्प ड्रग मेकर्स रिज्यूम प्रोडक्शन अंडर द करंट लॉकडाउन, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ हैज वॉर्न्ड, क्या हुआ, द एक कंट्री वाइड शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन एंड डिवाइसेज इज लाइकली टू द कमिंग वीक्स, द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हैज वॉर्न्ड होम मिनिस्ट्री अर्जिंग इट टू टेक इमीडिएट स्टेप टू हेल्प ड्रग मेकर्स टू रिज्यूम प्रोडक्शन, कहता है अब ये लॉकडाउन भाई साहब खत्म कर दो, लॉकडाउन ख़त्म कर दो और हमें प्रोडक्शन को रिज्यूम करने दो, नहीं तो अमेरिका को कहीं कहीं कहाँ बेच रहे हैं, हमारे पास ही ख़त्म हो जाएंगी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया गाइज, जो दूसरे कंट्री हैं, देखो इकोनॉमिकली कितना खतरनाक तरीके से, एक गहराई वाली बात बता रहा हूँ आप लोगों को, बाहर वाली यहाँ पे सपोज एक गोली का जो प्राइस है वो एक रुपया है, ठीक है ना, हमारी एक मिनट के लिए फर्ज कर लो, जो बाहर की जो कंपनियां हैं, बाहर के जो यू कैन से आप लोगों के जो इम्पोर्टर्स हैं, जो यू कैन से आपके कोई भी इसको परचेज करने वाले हैं, ठीक है,
वो क्या कर रहे हैं, बायर्स वो इस एक की बजाय इसको 5 गुना 4 गुना रेट पे खरीद रहे हैं अब दवाइयों को। अब लोगों को, इंडिया वालों को लग रहा है कि भाई हमारा जो है यू कैन से जो यहाँ पर आप लोगों का दवाई इस्तेमाल होना चाहिए वो क्या हो रहा है, वो बाहर जा रहा है, ठीक है, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, सब प्रॉफिट कमाने में लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि अगर हम अपनी पूरी कैपेसिटी से, अगर हम, कल भी मैंने ये बात लिखा था आप लोगों को, अगर हम पूरी कैपेसिटी से अपनी प्रोडक्शन को रखें तो हमें कमी नहीं बिल्कुल पड़ेगी, लेकिन हो क्या रहा है, अपने घर को छोड़ के हम लोग बाहर के लोगों को ज़्यादा खुश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि पैसा सबसे बड़ा रुपया है ना, सबसे बड़ा रुपया है ना, ना बाप बड़ा ना भैया, यही तो, यही बात आपकी आगे इसमें बताई जा रही है। ड्रग एंड मेडिकल डिवाइस मेकर्स, दे आर फंक्शनिंग ऑन एन एवरेज एट ओनली 20-30% कैपेसिटी इन लॉकडाउन। वो बस 20-30% कैपेसिटी का अपना काम कर पा रहे हैं एज पर द फीडबैक फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्री फॉर्मेशंस। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेटिकल सेक्रेटरी पीडी वघेला साहब ने पॉइंटेड आउट टू होम सेक्रेटरी अजय भल्ला। अगर आप इस तरह के फैक्ट दे देते हो तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आएगा एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ओके केविन। द गवर्नमेंट इज नीडिड रिसर्च, द गवर्नमेंट इज नीडिड रिसर्च टू एफिकेट द प्रोडक्शन। द गवर्नमेंट इज नीडिड नहीं होगा, गवर्नमेंट नीड टू, ठीक है ना, हैव सम रिसर्च टू एफिकेट द प्रोडक्शन, इस तरह से आप सेंटेंस को बना के लिखिए, चलिए बहुत बढ़िया। अंडरलाइनिंग दैट हाफ ऑफ इंडियाज आउटपुट ऑफ फार्मेटी एक्सपोर्टेड एज ग्लोबल मार्केट, देखो ऑफर बेटर प्राइसेस, देखो ये, देखो यहाँ पे वही पॉइंट है, अंडरलाइनिंग दैट हाफ ऑफ इंडिया का आउटपुट है ऑफ फार्मेटिकल्स इज एक्सपोर्टेड एज ग्लोबल मार्केट्स ऑफर ग्लोबल मार्केट्स बिकॉज ग्लोबल एज ग्लोबल मार्केट ऑफर्स ऑफर बेटर प्राइसेस, ठीक है ना। क्या उन्होंने बोला कि इंडिया का जो आधा जो आउटपुट है, आधी जो आपकी प्रोडक्शन है फार्मेटिकल्स का, वो तो एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर 100 दवाइयाँ बना रहे हैं, इसमें से 50 दवाई तो बाहर ही जा रही है, क्यों, एज क्यों, ग्लोबल मार्केट्स, यहाँ पे प्लूरल है, ऑफर वो प्लूरल आई है, ग्लोबल मार्केट्स ऑफर बेटर प्राइसेस, लिख दो जरा यही सेंटेंस लिख दो ना। ये कुलमोक, नितेश, दिव्या, दिव्या दुबे, केविन, साक्षी, सुनील, ये जो सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ वही सेंटेंस आप लोग भी मेरे साथ साथ बना के लिखते रहिए, आप लोगों को अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन आर डे बाई डे शॉर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर, देखो अभी इसको सेंटेंस थोड़ा ठीक ठाक बनाओ, ऐसे बनाओ जरा भाग्यश्री, अंडरलाइनिंग दैट, आप इस सेंटेंस को मेरे वाले सेंटेंस को कॉपी करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरलाइनिंग दैट हाफ ऑफ इंडियाज आउटपुट ऑफ फार्मेटिकल्स इज एक्सपोर्टेड एज ग्लोबल मार्केट्स ऑफर बेटर प्राइसेस। ये चीज़ों को बोलने का तरीका होता है, मैं अगर आपसे बोलूँ इस सेंटेंस को बोलो, आप लोग ऐसे बोल दोगे, अंडरलाइनिंग दैट हाफ ऑफ इंडियाज आउटपुट ऑफ फार्मेटिकल्स इज एक्सपोर्टेड एज ग्लोबल मार्केट्स ऑफर बेटर प्राइसेस द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेटिकल, ऐसे नहीं, अंडरलाइनिंग दैट, व्हाट अंडरलाइनिंग दैट, हाफ ऑफ इंडियाज आउटपुट, लेकिन गिव अ पॉज हियर, हाफ ऑफ इंडियाज आउटपुट ऑफ फार्मेटिकल्स इज एक्सपोर्टेड, Why it is exported? As global markets they offer better prices. वो ज़्यादा बेटर प्राइस दे रहे हैं। जब आप हिंदी में अपने इमोशंस को बाहर निकाल निकाल के लाते हो तो इंग्लिश में भी तो इमोशंस को बाहर निकाल के लाओ। Then you started creating some interest in English language. That is why it is boring. You do not add the emotion masala here. You have to add the VD is emotion masala. एक MDS का गर्म मसाला होता है और ये VD का emotion masala आप लोगों को यहाँ पे डालना पड़ेगा। This is your VD is emotion masala. आज से इसको तड़का लगाने लग जाओ, ठीक है, ये लो वीडी इज इमोशन मसाला, है ना, अभी अभी चीज़ें आ जाती हैं, लिखो सारे बच्चे, दिस इज योर वीडी इज इमोशन मसाला, यहाँ पे अनलेस एंड अंटिल यू डू पुट सम इमोशन मसाला यू विल डेफिनेटली फील बोर्ड। कई बच्चे आ रहे होंगे यहाँ पे देख रहे होंगे, अरे ये क्या हो रहा है, ये कहाँ करा रहा है यार, ये कहाँ करा रहा है, उनको समझ ही नहीं आएगा। जो फर्स्ट टाइम बच्चा आया होगा उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप रेगुलरिटी को बना के रखिए, आप इस क्लास को मिस ही नहीं कर पाएंगे, ओके। सो द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेटिकल्स दे स्ट्रेस दैट इट कुड लीड टू डिसप्रोपोर्शनेट शॉर्टेजेस इन द डोमेस्टिक मार्केट कॉलिंग फॉर सुटेबल मेजर्स टू बी टेकन इन द राइट डायरेक्शन टू प्रिवेंट द अवॉइडेबल सिचुएशन, कि जिस सिचुएशन को टाला जा सकता है अगर आप सही दिशा में काम करें, कुछ सुटेबल मेजर्स लें, तो ये जो डोमेस्टिक मार्केट की जो शॉर्टेज है, ये जो डिसप्रोपोर्शनेट हुआ है, ये ठीक हो सकता है, ये उन्होंने बोला है। आगे देखो, प्रोडक्शन यूनिट्स, उसके बाद इंगेज इन मेकिंग एसेंशियल कमोडिटीज, मेडिसिन जो बना रही हैं, जो वैक्सीन बना रही हैं, वैक्सीन की स्पेलिंग बहुत आती है, ध्यान से सुन लेना,
एक वैक्सीन की, एक वैक्यूम की, VACWM, वैक्यूम, वैक्यूम मास्क बनाती है जो, एंड देर एंसिलरी, एंसिलरी का मतलब होता है सपोर्टिंग आइटम, ये दो एक वोकैबुलरी यहाँ पे आ गई। एंसिलरी का मतलब क्या होता है, सपोर्टिंग आइटम, कोई भी चीज़ें हैं कोई इसको सपोर्ट करने के लिए, सपोर्टिंग आइटम, ठीक है, सैनिटाइजर हो गया, कुछ हो गया। हैड बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड एज पर 3 वीक नेशनल लॉकडाउन अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 24। अब हुआ क्या था कि भाई जो वैक्सीन हैं, जो मेडिसिन हैं भाई, उनकी जो यू कैन से दो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड एज पर द, जो इनकी कोई प्रोडक्शन जो है इनकी यू कैन से बिल्कुल बंद नहीं होगी, ठीक है ना, इनकी प्रोडक्शन चालू रहेगी, समझ में आया कि नहीं। लेकिन हुआ क्या, अब लोग आ जा तो सकते नहीं, इसीलिए दवाइयाँ अगर बंद भी गई हैं तो वो पहुँच नहीं रही हैं, ठीक है ना, और जहाँ जहाँ पे पहुँचनी चाहिए वहाँ आराम से पहुँच रही हैं, बात ये हो रही है, ठीक है। तो ये काम नहीं करना चाहिए कि जब जब विदेशों में भेजनी हो तब तो है, ठीक है, मतलब समुद्र के रास्ते भेजने से तो है, और अगर घर में अगर दवाई चाहिए तो दवाई नहीं है, ठीक है, इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। सिंस देन रिपीटेड मिसिव्स, एक और यहाँ पे वोकैबुलरी देखो मैंने यहाँ पे लगाया है, मिसिव्स का मतलब यहाँ पे क्या है, मिसिव्स का मतलब है यहाँ पे लॉन्ग लेटर, ए टाइप ऑफ ए लॉन्ग लेटर, जो लंबे लंबे लेटर मिनिस्टर से आते हैं, रिपीटेड मिसिव्स, ठीक है ना, लंबे लंबे प्रार्थना पत्र, ओके, हाँ, थ्री टाइम्स इन ए डे नहीं होता, 3 times a day होता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंश्योर फ्रॉम होम सेक्रेटरी, रिपीटेड मिसिव्स फ्रॉम द होम सेक्रेटरी टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंश्योर दैट प्रोडक्शन एंड मूवमेंट ऑफ एसेंशियल गुड्स इज नॉट हैम्पर्ड हैजंट चेंज थिंग्स ऑन द ग्राउंड प्रॉम्प्टिंग द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेटिकल टू रेज द इशू अफ्रेश। मतलब हुआ क्या कि हर बार रिपीटेड मिसयूज जो है होम सेक्रेटरी से हमारे इंडिया के स्टेट गवर्नमेंट की तरफ जा रहे थे कि भाई ऐसा करो कि इसेंशियल जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्शन है और इसेंशियल ऑफ गुड्स हैं, जैसे मास्क है, वैक्सीन है, इनका प्रोडक्शन हैम्पर नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं आया, क्यों, सारे स्टेट गवर्नमेंट डर गई, सब ने कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया, जो कोई बाहर जा रहा है दे लठ उसको ऐसे पीट रहे हैं। तो ये काम इसीलिए, अब जब देखा कि यार ये तो फायदा नहीं लग रहा है, तो हुआ क्या, जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेटिकल्स है उसने इस इशू को फिर दोबारा इशू को रेज अफ्रेश, दोबारा से फिर इस इशू को इसको रेज किया है, ठीक है। ये आप इसको, मैंने पूरी की पूरी रिपोर्ट राइटिंग आपको ये कराई, इसी टाइप के कुछ फैक्ट डाल के, इसी टाइप से कंसाइज बना के आपको एक रिपोर्ट को लिखना है। कोई भी आप 3 या 4 न्यूज, छोटी छोटी जो न्यूज़ होती हैं द हिंदू की या कोई भी और पेपर की आप ले लो, आप बेटे उनको देखिए, ठीक है, उसको करने के बाद, उनको देखने के बाद आप लोगों को ये अपने आप लग जाएगा पता कि हाँ सर हमें इस तरह से अपनी रिपोर्ट को करना है। 20 marks का आपका आता है, 20 marks अगर आप अच्छे से कर देते हो तो एग्जामिनर आपको कम से कम 12-15 नंबर इतने तो ज़रूर दे देगा, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्यों, आप ये देखिए 200 नंबर का आपका पेपर होता है और 200 में से जो मेरिट जाती है वो 90, 85, 87 इस तरह के नंबर मेरिट जाती है। इसका मतलब क्या कि जितनी आपकी राइटिंग स्किल्स है उतनी ही दूसरों की है। ज़्यादा मत सोचे कि इंडिया में 2-3% लोग जो हैं बेटे दे आर एब्सोल्यूटली कंफर्टेबल इन राइटिंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग इंग्लिश। कैन यू इमेजिन, कैन यू बीट द 98%? हाँ, मेरे को यहाँ पे कौन देखने आएगा, आता ही नहीं है बच्चा, इसलिए तो प्रॉब्लम है ना। 2% लोगों को पता है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट अगर मेरे पास ये 40 बच्चे हैं, कम से कम ये 40 अपने, मैंने 40 बच्चों को किया है, आप 20 तो कम से कम ले लो, ठीक है, आप 20 की तो ले लो, वो 20 आगे 10 ले लेगा, ठीक है, इतना काम तो कर लो। अगर आपने ये पढ़ा है, आप इसको समझ चुके हो, आप दूसरों से बेहतर हो चुके हो, अगर आप दूसरों से बेहतर हो चुके हो तो आप दूसरों को सिखा दो, ये तो ऐसे ही चेन बनती चली जाएगी। मैं अकेला इंडिया को जाके थोड़ी पढ़ा पाऊंगा बेटा, आपको लगता है कि 98% को मैं पढ़ा पाऊंगा? नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। इट इज यू हु आर आवर रियल मैसेंजर्स ऑफ अड्डा 24/7। गॉट इट नाउ, एक और लेके आया हूँ, आप टेंशन मत लेना। और ये है हमारी और एयर इंडिया पायलट्स फ्लैग पुअर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एयर इंडिया पायलट्स फ्लैग पुअर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसके ऊपर आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है। जाओ बताओ जरा, अब आधे तो छोड़ के आ जाएंगे, क्यों, पता ही नहीं कोई कैसा केस आया था क्या कि एयर इंडिया के पायलट्स ने पुअर प्रोटेक्टिव। अब यहाँ पे फ्लैग का मतलब क्या है जरा बताओ, मैंने ऑलरेडी वोकैबुलरी में आप लोगों को फ्लैग, हो सकता है शायद पेड बैच में डिस्कस किया होगा, फ्लैग मैंने आप लोगों को कितनी बताया जरूर है, यह नहीं पता कि यूट्यूब पे बताया हुआ है कि ये नहीं था कि पेड में बताया हुआ है, जरा बताओ मुझे एक बार जरा। कुलदीप कुमार सर, हेलो कुलदीप, ये देखो BSF से हमारे हमारे साथ एक हमारे सोल्जर जुड़े हैं कुलदीप कुमार, इनको एक बार जय हिंद बोल दीजिए, क्या बात है, हमारे BSF के सोल्जर हैं
और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी ये आपके जैसे ही ये भी असिस्टेंट कमांडर की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ऑलरेडी जॉब पे हैं और एक अच्छी जॉब चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप भी कुलदीप कुमार को हाय बोल दो। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से वही कुलदीप कुमार हैं, है ना। तो फ्लैग का मतलब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। इंडिकेटर, बहुत बढ़िया, शाबाश साक्षी, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। टू अटैच समथिंग, देखो बोल दिया उन्होंने, है ना। ठीक है भाई, यूट्यूब पे नहीं बताया था सर, कोई बात नहीं रीबा, क्या हो गया, इट्स ओके, आप टेंशन मत लो यार। ठीक है सर, पेड़ में बताया था। चलिए वेल, अब एयर इंडिया पायलट्स, देखो भाई आजकल क्या हो रहा है ना, सबकी कॉस्ट कटिंग चल रही है, कॉस्ट कटिंग चल रही है तो सबकी सैलरी कटिंग चल रही है। अब वो फ्रस्ट्रेशन बिता रहे, बोल रहे हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है ना। देखो जरा कैसे, ओके आओ जरा देखते हैं। यस यू कैन डू इट सर, इफ 98% पॉपुलेशन ज्वाइन हियर, आतिश कुमार बोल रही है। 90% बेटे कहाँ पे आएंगे, उनको पबजी से फुर्सत नहीं है, जानते हो क्या करें। वेल इट्स ओके, कोई बात नहीं। एयर इंडिया पायलट्स, पायलट्स यहाँ पे लिखा प्लूरल है, हैव लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न, ये प्लीज लिखो इस सेंटेंस को लिखो, ओवर फ्लिमजी प्रोटेक्टिव गियर, इनएडिक्वेट सैनिटाइजर, शॉडी डिसइंफेक्शन प्रोसीजर एंड ए लैक ऑफ क्वारंटाइन अरेंजमेंट्स एज दे एम्बार्क ऑन फ्लाइट्स चार्टर्ड बाय कंट्रीज सच एज जर्मनी एंड द यूके टू रेपेट्रिएट देयर सिटीजन स्टैंडर्ड इन इंडिया ड्यू टू नेशन वाइड लॉकडाउन एंड कोविड-19। देखो एक सेंटेंस में बंदे ने कितनी बातें बोल दी, हर एक बच्चा इस सेंटेंस को लिखेगा, ठीक है। जल्दी बताओ जरा, कमान कमान कमान, जल्दी बताओ, जल्दी मुझे बताओ, इसको आपको समझ में आया कि मैं दोबारा समझाऊं। मैं एक एक करके एक एक वर्ड को ले रहा हूं। पहले तो देखो फ्लिमजी, एक होता है रोबस्ट, ताकतवर। फ्लिमजी का मतलब होता है बेकार, टूटा फूटा, वीक, उसको फ्लिमजी बोलते हैं। फ्लिमजी, फ्लिमजी लिखो सारे, फिल्मसी नहीं है ये, फ्लिमजी क्या बोलते हैं इसको, फ्लिमजी, ओके। ऑल इंडिया पायलट्स हैव एक्सप्रेस्ड, ये हमारे जो कुलदीप कुमार हैं ये इसको फ्लैग लगाते हैं, ये फाइल का काम जब करते थे, हम दोनों साथ में ही काम करते थे, तो ये फ्लैग लगा के फाइल को लेके आते थे, और यहाँ पे फ्लैग को हिंदी में हम लोग बोलते थे पताका, शायद अभी कुलदीप कुमार जी सुन रहे होंगे, पताका कै, पताका खै, पताका गै, हिंदी में आप भी ऐसे काम करोगे मज़ा आएगा आप लोगों को भी। तो फ्लैग का हिंदी में होती है पताका, तो पताका कै के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो थी सर ब्लड प्रूफ जैकेट से रिलेटेड, पताका कै के ऊपर लिखी गई है, पताका गै के ऊपर कुलदीप कुमार की छुट्टी की बात लिखी गई है सर, इस तरह से चीज़ें आती थी, ठीक है, मतलब ऐसे बता रहा हूँ आप लोगों को। तो फ्लिमजी प्रोटेक्टिव गियर, उनको कोई प्रोटेक्टिव, जो उनका गियर है जो सूट होता है उनका, वो बेकार सा है, इनएडिक्वेट सैनिटाइजर है, देखो शॉडी डिसइंफेक्शन प्रोसीजर है उनका, ऊट पटांग जो है बिल्कुल घटिया तरीके से उनका प्रोसीजर है, एंड ए लैक ऑफ क्वारंटाइन अरेंजमेंट, कोई क्वारंटाइन का उनका अरेंजमेंट नहीं है, एज दे एम्बार्क ऑन फ्लाइट, वो फ्लाइट पर जब जाते हैं चार्टर्ड बाई कंट्रीज सच एज जर्मनी एंड यूके, अब जर्मनी में बुरा हाल हो रखा है, यूके में बुरा हाल हो रखा है, टू रिपेट्रिएट देयर सिटीजन्स, अपने भारतीयों को वहाँ से वापस ला रहे हैं इन इंडिया ड्यू टू नेशनल लॉकडाउन एंड कोविड-19, ठीक है। तो एयर इंडिया वालों ने बोला भाई क्या कर रहे हो, हमें मारोगे, हैं, ठीक है, ओके चलिए, यस सर, ओके दैट्स गो, बहुत बढ़िया, ये अच्छा सेंटेंस लगाओ तो आप मुझे बता देना भाई, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, टू पायलट्स यूनियंस, यहाँ पे दो पायलट्स थे, अपोस्ट्रोफी एस, खाली एस अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, वरना ये ऐसे भी हो सकता था, टू पी आई एल ओ टी एस पायलट्स, उसके बाद में अपोस्ट्रोफी लगता, जो कि गलत होता, पायलट्स देखो खाली अपोस्ट्रोफी लगा है क्योंकि प्लूरल है, टू पायलट्स, अरे समझ में आ रहा है, थम्स अप तो दिखा दो। रिपोर्ट राइटिंग बेटा, अगर वो फैक्ट से, फैक्ट के अकॉर्डिंग है तो तभी तो आएगा ना, वो जरूरी थोड़ी है कि हमेशा पास्ट में जाएगा, ये स्कूल वकूल में आप लोगों ने सीख रखा था, ठीक है। वो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट होती है, कोई रिसर्च रिपोर्ट आपको बनानी है, किसी भी उस जो आप लोगों की जो सफलता असफलता है उसको दिखाना है आप लोगों को, समझ में आया ना इस तरह से। अब जैसे मैं वाटर स्कार्सिटी की बात करूँ, वाटर स्कार्सिटी एंड ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, ये लो, ये रिपोर्ट राइटिंग आपकी आई थी, क्या जरूरत है, जरूरी थोड़ी कि सारा पास्ट में बनेगा ही बनेगा, आपके सेंटेंसेस अच्छे होने चाहिए। इफ योर सेंटेंस डस मेक अ सेंस पर्टेनिंग टू प्रेजेंट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यस और नो,
हाँ ओके सर, मैंने 200 से ज़्यादा वर्ड लिख दिए, ये सेंड नहीं हो रहे अब। कोई बात नहीं, इट्स ओके। सोनू कुमार बेटा, पायलट्स गलत नहीं होगा, जब टू है ना, टू बोल रहा है ना वो, तो पायलट की यूनियन की बात हो रही है, टू पायलट्स यूनियंस, ठीक है, समझ में आया बेटा सोनू? अगर वन ए पायलट यूनियन होता तो मैं बांध लेता, ए पी आई एल ओ टी, ए पायलट्स यूनियन, अगर ये होता तो मैं मान लेता सोनू कुमार। सोनू बेटा समझ में आ गया तो थम्सअप कर देना, ठीक है, ओके। टू पायलट्स यूनियंस, द एग्जेक्टिव पायलट्स ऑफ एयर इंडिया एंड इंडियन पायलट्स गिल्ड, ये दो पायलट की यूनियन, हर तरह की यूनियन बनी होती है ना आजकल, पायलट की यूनियन बनी हुई है। दे हैव रिटर्न, अब दोनों थे तो हैव आ गया, हैव रिटर्न टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन हरदीप सिंह पुरी को लिखा है। देखो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन एक बन गया, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिविल एविएशन कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। रेजिंग क्वेश्चन अबाउट देयर सेफ्टी एज दे कंटिन्यू टू वर्क ऑन द फ्रंट लाइन ड्यूरिंग ए पैंडमिक, ठीक है बेटा, अब ये असली सोल्जर तो अब ये निकल के आ रहे हैं। देखो एक कोरोना आ गया और उसमें जो सोल्जर सीमा पे खड़ा हुआ है वो इतना जो है अब उसका काम नहीं है, मतलब एक एक तरह से अगर मैं देखूं, वैसे तो वो तो 24 घंटे काम करता ही करता है, लेकिन ये भी रियल सोल्जर्स हैं बेचारे, डॉक्टर्स हो गए, जो हमारे पुलिस वाले हो गए, जिनको हम लोग कभी हमेशा गलत हमेशा उनके बारे में बातें करते थे, गलत निगाहों से उनको देखते थे, वो बेचारे चाहे कुछ भी हो वो बेचारे रोड के ऊपर तो कम से कम खड़े हुए हैं यार, ठीक है। तो आप, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बातें हैं वो जो सच है बेटे वो जरूर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, द ड्यूरिंग पैंडमिक द यूनियंस रिप्रेजेंट नियरली 500 पायलट्स हु ऑपरेट द वाइड बॉडीड प्लेन सच एज बोइंग 787 747 777 है ना, इस तरह के जो प्लेन्स हैं जो बोइंग, हमारे 500 पायलट्स कम से कम लगे हुए हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये दिखा रहे हैं। अब ये पायलट्स की लाइफ बड़ी अजीब होती थी यार, यू नो, आया सूटेड बूटेड हाई पैकेज, नो आपकी सेलिंग की सैलरीज अगर आप देखोगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड, ठीक है ना, एंड अदर यू नो वेरी वेल। सो द पायलट्स हैव ऑल्सो रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, नहीं है इनके पास, एज द एयर इंडिया मेडिकल डिपार्टमेंट हैज बीन अलाउड टू वर्क फ्रॉम होम। अब मेडिकल सर्विस डिपार्टमेंट को बोल दिया कि तुम घर बैठ के काम करो, अब वो बोल रहे हैं जी हम घर कैसे जाएं डॉक्टर के, उनको तो बोल दिया इन्होंने बड़े आसान से, विच द कॉकपिट क्रू से इम्प्लाइज, ठीक है, क्रू से इम्प्लाइज क्या बोला, दैट एनी इलनेस सफर्ड बाई अ क्रू और देयर फैमिलीज बिकॉज ऑफ दीज हाई रिस्क फ्लाइट्स इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्रू। अब देखो जरा यहाँ पे क्या बोला है, द कॉकपिट क्रू क्या कहता है, कह रहा है कि एनी इलनेस अगर कोई बीमारी होती है सफर्ड बाय द क्रू और देयर फैमिलीज बिकॉज ऑफ द हाई रिस्क फ्लाइट्स इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्रू, ये तो बहुत गलत बात है भाई, अगर उन्होंने इतनी बात कही है तो, कि भाई तुम्हारी खुद जिम्मेदारी होगी भाई, 500 आदमी गवर्नमेंट के काम से बेचारे भारतीयों को इधर से उधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, सबको इंडिया ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग अगर तुम्हें अगर कोरोना हो गया तो खुद जिम्मेदार है, अपनी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, कम से कम ऐसी चीज़ें तो मत करो, उनको कम से कम आप अच्छे सैनिटाइजर दे दो, बेचारों को गियर अच्छा पहना दो और कम से कम अच्छा काम करेंगे। बेटे तुम सोच रहे हो कि लाइफ ऐसी चली जा रही है, ये पबजी और व्हाट्सएप और फेसबुक इन चीज़ों से बाहर निकल के ये देखो यहाँ पे क्या रियल इंडिया में क्या हो रहा है, कम से कम ये देखो, ठीक है। सर थोड़ा थोड़ा पहली बार रिपोर्ट राइटिंग देखिए, देखिए तो थोड़ा ऊपर से जा रहा है चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ, ये अच्छा लगता है मुझे ऐसे, कम से कम आप ऐसे बोल दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो कम से कम सीखना तो चाह रहे हो। देखो उन्होंने बोला बेटा एयर इंडिया, फिर पढ़ो फिर समझ में आएगा, एक्चुअली ना घर जाके क्या करना, अभी जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा दो तीन बार जरूर पढ़ना इसको, ठीक है, या एक बार मैं इसको पूरा पढ़ा के फिर दोबारा ले लेता हूँ, है ना। इधर देखो जरा, वाइल द एयरलाइन हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एनी एडिशनल मेडिकल इंश्योरेंस टू क्रू मेंबर्स, एयरलाइन ने जो क्रू मेंबर्स हैं बेटे उनको एडिशनल इंश्योरेंस कवर नहीं दिया फॉर एनी COVID-19 रिलेटेड रिस्क, इट हैज़ गॉन ए स्टेप फर्दर, और एक स्टेप और आगे चलेगी, क्या कर दिया भाई उन्होंने, रिसेंटली एडवाइज इट्स एम्प्लॉय इंक्वायरीज ऑन रिम्बर्समेंट ऑफ बिल्स, कहता कोई तुम्हारा बिल का रिम्बर्समेंट नहीं होगा, सिक लीव नहीं होगी, फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाओ, दे आर कंसिडर्ड एज, ये द हिंदू का एक खबर है लेकिन जो लिखने वाला था इसने वीडी सर से ग्रामर नहीं पढ़ा था, तो कंसिडर्ड के बाद बेटे एज नहीं आता, ये काट देना, ये द हिंदू की एरर है, बताओ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर न्यूज़पेपर पे एरर निकाल रहे हो, बेटे जो गलत है वो गलत है, ठीक है ना। सैम गहलोत साहब, वेरी बैड का मतलब होता है ये वाला बैड, BAD,
ये वाला बेड होता है जिससे आप अभी बैठे हुए हो, ठीक है बेटा? ओके ओके दैट्स ग्रेट. आगे देखें जरा. तो वाइल सम ऑफ दीज पायलट्स हैव ऑपरेटेड स्पेशल फ्लाइट्स टू वुहान एंड रोम. वुहान तो ये जो कल्प्रिट है, मेन कल्प्रिट जहाँ से वायरस की शुरुआत हुई, एंड रोम टू ब्रिंग बैक इंडियंस, एंड हैव ऑपरेटेड फ्लाइट्स फॉर कंट्रीज लाइक इजराइल टू हेल्प देयर सिटीजन रिटर्न होम. दे हैव नॉट बीन पेड 70% ऑफ देयर सैलरीज फॉर द पास्ट 3 months. 3 महीने हो गए हैं, सैलरी नहीं मिल रही है. क्यों? लोग नहीं जा रहे होंगे तो कंपनी के पास. ये एक एयरलाइन कंपनी है, ध्यान से सुनना जरा. ये जहाज है कंपनी का, ठीक है? यहाँ पे कुलदीप कुमार बैठा हुआ है, यहाँ पे सैम गहलोत है, यहाँ पे केविन है, यहाँ पे भाग्यश्री, यहाँ पे दिव्या और सारे जा रहे हैं. अब हुआ क्या, जैसे वो कोरोना आया ये सब भाग गए. ओ भाई हम नहीं जाएंगे, 1 महीने के लिए कोई फ्लाइट नहीं. अब ये टिकट नहीं खरीद रहे, एयरलाइन के पास पैसे नहीं आ रहे, एयरलाइन के पास पैसे नहीं आ रहे, बेकार उनको करनी पड़ रही है. क्यों? कभी इधर जा भारतीय को लेके आ, कभी उधर जा भारतीय को लेके आ. अब बेचारों की सैलरी नहीं मिल रही. कैन यू इमेजिन ना हो बेटे, हाँ? अरे समझ में आ रही है असली चीज़ें क्या क्या चल रहा है, क्या क्या बता रहा हूँ. तो 70% उनकी सैलरी दी नहीं. अब किसी की सैलरी 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है तो उसके खर्चे 5 लाख होंगे, ठीक है? 2 लाख में से 30% दे दिया, 2 × 3 = 60,000 रुपये पकड़ा दिए उसको. 60,000 रुपये बोले चल इतने ही है, जा बाद में लेंगे और बाकी कल. अब वो ये ऐसा चला हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट बोल रही हैं, ठीक है? एंड हैव ऑल्सो रिसेंटली बीन इन्फॉर्म्ड बाई मैनेजमेंट ए सब्सटेंशियल पे कट, और उनको पे कट भी करेंगे अब. वाइल इन द मिडस्ट ऑफ द अबव मेंशन्ड कोविड रेस्क्यू ऑपरेशंस, ठीक है? तो ये अकेली ऑनलाइन इंडस्ट्री ऐसी बची हुई है अभी, ये एजुकेशन वाली, जहाँ पर थोड़ा बहुत हिसाब किताब ठीक है, समझ में आई है? अदरवाइज बेटा आप लोगों को लग रहा है मैं ठीक, मेरे घर वाले ठीक, मेरे पापा ठीक, मेरा पड़ोसी ठीक, कहाँ है दिक्कत? दिक्कत तो है ही नहीं. दिक्कत इतनी बड़ी होने वाली है, आप लोग अभी उसके बारे में ना ही सोचें तो बढ़िया है. क्यों? क्योंकि कोई फायदा नहीं है, ठीक है? आप लोग उस दिक्कत को ठीक कर सकते हो अगर आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करके अच्छी सी जॉब ले लो और आप देश में कुछ हेल्प कराओ, ठीक है? समझ में आया? ओके ठीक है. तो अगर आपने कहा हो सर बट मोस्ट ऑफ देम आर यूथ हु आर सर्विंग एज कैबिन क्रू इन एयर इंडिया सो दे कैन रिकवर फ्रॉम कोरोना, अभिषेक जा बोल रहे हैं भाई, जरूरी थोड़ी है कि अभी वो डेटा आया था बेटा कि 47% तो यंग ही हैं जो आपके इन्फेक्टेड हैं, ये कोई जरूरी नहीं है ना बेटा. दो इट इज आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम अग्री विद योर पॉइंट दैट कोरोना जो है दैट इज मोर वल्नरेबल ससेप्टेबल टू एज ओल्ड, है ना, जो आपके एजड हैं. लेकिन जरूरी तो नहीं है कि यंग को नहीं होगा, हो तो उनको भी सकता है ना, बात ये है. ओके बेटा. वेल संध्या सिंह बोल रहे हैं हाउ कैन आई बाय द स्टडी पैक फॉर CAPF. जरा बताओ भाई संध्या सिंह को, आपको बेटे अड्डा स्टोर पे जाना है और जल्दी से रजिस्टर करा लो. 400 स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1000 तो इस बार CAPF AC के बैच में आए, तब आए पढ़ने का मज़ा, ठीक है? कहाँ गया रे ये रहा. यहाँ से मैं एक बार दोबारा इसको फिर ले लेता हूँ. देखो उन्होंने क्या बोला, एक तो सबसे पहले बोला कि उन्होंने फ्लिमजी प्रोटेक्टिव गियर उनको दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर नहीं है, शॉर्ट डिड इन्फेक्शन प्रोसीजर है उनका, ये उन्होंने बोला क्योंकि उनकी फ्लाइट्स जो होती हैं जर्मनी और यूके जाती हैं टू रिपेट्रिएट देयर सिटीजन्स. ये जब तक इस तरह के वर्ड याद नहीं करोगे आपके सेंटेंस बनने वाले नहीं हैं. मेरे से लिखवा लो आप लोग, अगर आप रिपेट्रिएट को याद नहीं करोगे कि रिपेट्रिएट का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक समबडी टू हिज ओन कंट्री, ये रिपेट्रिएट का मतलब होता है. स्ट्रैंडेड का मतलब होता है स्ट्रैंडेड इन इंडिया ड्यू टू द नेशन वाइड लॉकडाउन ओवर COVID-19, ठीक है ना? समझ में आया ना बेटा? तो ये सिटीजन स्टैंडर्ड इन इंडिया ड्यू टू नेशनल लॉकडाउन, ये वहाँ से फंसे हुए लोगों को भारत अंदर निकाल के आ रहे हैं, तब तक काम नहीं चलेगा. ओके आगे देखो. टू पायलट्स यूनियंस एग्जैक्टिव पायलट, एक उन्होंने, ये आपकी मर्जी है इतना फैक्ट अगर आप दो तो अच्छा लगेगा. दे हैव नॉट बीन पेड 70% सैलरीज फॉर द पास्ट 3 months. बहुत बढ़िया शहबाज, शहबाज बहुत बढ़िया, दिव्या बहुत बढ़िया, गुड. कोरोना ने सबकी हालत ख़राब कर दिए, हाँ ऑब्वियस बात है. हाउ कैन आई बाय स्टडी पैक फॉर CAPF? संध्या बेटे मैंने आपको बताया ना, आप एक बार हमारे adda247.com पे जाइए, ठीक है? वहाँ पे आप सर्च का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप डिफेंस का महापैक आप लोग उसको अवेल कर लो, सबसे बेटर आप लोगों के लिए वही रहेगा और आप लाइव क्लासेस में जुड़ जाओ, ठीक है? समझ में आया? सबसे बेस्ट ये है. ओके चलो ओके आगे देख लेते हैं. आगे क्या है भाई, अगर मैं बात करूँ, उन्होंने बोला कि जो
पायलट्स ने और भी क्वेश्चंस को रेज किया है कि जो एयर इंडिया मेडिकल डिपार्टमेंट था उन्होंने बोला कि वो ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, और उनका रिप्लाई क्या है कि अगर कोई भी हाई रिस्क फ्लाइट आती है तो जो कैबिन क्रू है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ये बात उन्होंने उसमें यहाँ पर बोली। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, एडिशनल कवर कोई उनको मिल नहीं रहा है, और एडिशनल कवर तो दिया ही नहीं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ऊपर से क्या किया, दे गोन ए स्टेप फर्दर में क्या किया उन्होंने क्या कि रिएम्बर्समेंट ऑफ बिल्स के लिए कोई इंक्वायरी नहीं है, सिक लीव के लिए नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा, और ये चीज़ें अनडिजायरेबल हैं। ठीक है, आगे उन्होंने क्या बोला कि कुछ पायलट जो क्या कर रहे हैं, वुहान और रोम से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको 70% अपनी सैलरी का मिला ही नहीं है पिछले 3 महीनों से बेचारों को, और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि उनको पे कट मिलेगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। सर CAPF के फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, अदर शुक्ला ने ये कमेंट आया, बेटा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा और क्या। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आपका नोटिफिकेशन आज 11th of April है, मैंने देखा भी अभी, मैं एकदम से यहाँ पे आ गया तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि नोटिफिकेशन आपका आया है कि नहीं, ऑलमोस्ट जो है नोटिफिकेशन आपका आज आ जाएगा, आते ही मैं आपको दिखा दूंगा कितनी आपकी वैकेंसीज हैं, कैसे कैसे आप लोगों को अपने उसको फॉर्म को फिल करना है, फिल कर दीजिए और यार लग जाइए काम पर। ठीक है, अच्छा लगेगा आप लोगों को। बट अकॉर्डिंग टू द डेटा मोस्ट ऑफ द डेथ्स अकर्ड ड्यू टू कोरोना आर एज ऑफ 650 एंड अबव। अभिषेक झा साहब आप उधर उसी बात पे अभी तक लटके हुए हो, कोई बात नहीं, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, ये एक वो उससे रिलेटेड ये कोई पॉइंट ही नहीं है, डिबेट का इशू नहीं है, ये आपका फाइल जो पायलट्स हैं उनकी बात का इशू है बेटे। ठीक है, उनकी बात का इशू है, तभी तो उन लोगों को गवर्नमेंट ने ये बोल रखा है कि चल ठीक है तू खुद जिम्मेदार है, जब वो यंग है तभी तो बात बोल रखी है ना, अगर वो बूढ़े होते तो वो कैसे बोलती गवर्नमेंट उनको, ये तो आप खुद भी समझदार हो, इसमें बात में तो कोई बहस करने की बात ही नहीं है, जो बात आप कहना चाह रहे हो। मैं एक रिपोर्ट राइटिंग आपको करा रहा हूँ जिसमें एयरफोर्स जो आपके एयर इंडिया के पायलट्स हैं उन्होंने अपना कंसर्न जताया है, रिपोर्ट उस पर है, हमारी ये डिबेट इसलिए नहीं है कि ये कोरोना जो है अफेक्टेड यंगस्टर्स के लिए ज्यादा है कि ओल्ड एज के लिए ज्यादा है, समझ में आया ना, हमारा डिबेट का पॉइंट दूसरा, आप बात कर रहे हो। ओके, वर्ल्ड लिमिट कितनी होती है रिपोर्ट राइटिंग में, ये आपने क्वेश्चन ठीक पूछा है, जो आपकी रिपोर्ट राइटिंग की जो वर्ल्ड लिमिट होती है वो 200 वर्ड्स तक होती है। ठीक है, 200 वर्ड्स आप लोग लिखने होते हैं, यानी आप 20 लाइन में आप लोग अपने, अगर आपके एक लाइन में अगर 10 वर्ड लिखते हो या थोड़ा छोटा लिखते हो 4 या 5 वर्ड लिखते हो तो उसी हिसाब से अपनी लाइन बना लो, 200 वर्ड्स आप लोगों के लिखने होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए और कोई क्वेश्चन है फॉर्म। गुड मॉर्निंग सर एंड गाइस, वेद प्रकाश अभी आए हैं, वेद प्रकाश को बोल दो। सर गवर्नमेंट के अगेंस्ट नेगेटिव आस्पेक्ट लिख सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, बिल्कुल भी नहीं। आदर्श शुक्ला जी, आदर्श शुक्ला ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, कहते सर गवर्नमेंट के नेगेटिव पॉइंट लिख सकते हो, लिखोगे तो आपके गलत में चली जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो है जो गवर्नमेंट जो पीपल ऑफ इंडिया ने सेलेक्ट की है, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, ध्यान रखना थोड़ा सा, एक सेंटर व्यू लेके अपनी बात करो ना, ज़्यादा भी मतलब मैं ये नहीं कह रहा, एक सेंटर व्यू लेके अपनी बात करो, कुछ एक पैसे पॉजिटिविटी दिखाओ, थोड़ा बहुत कंसर्न दिखा दो, काम खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। सर समझ में आ गया अभिषेक झा, अरे पंकज जी मैं वो समझाना मेरा काम है, मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, ओके दैट्स ग्रेट। आगे देखो जरा, सर फॉर्मेट योर एक बारी डिस्क्राइब कर दे दोनों एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सर फॉर्मेट योर बॉडी, व्हाट फॉर्मेट योर बॉडी, फॉर्मेट माय बॉडी, एक बारी डिस्क्राइब कर दो। अरे अच्छा, जो आप लोगों का अभी बताया तो आप जिसको दोबारा देख लेना बेटा, आपको मिल जाएगा ना, शुरू में मैंने दिखाया था आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को टाइटल लिखना है, फिर आप लोगों को यू कैन से अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आपका डेट आ जाएगी, फिर आपका प्लेस आ जाएगा, फिर आपका नेम आ जाएगा, दैट्स इट। बेस्ट इंग्लिश टीचर नहीं होता, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। ओके, तो ये आप लोगों का सारा है, आपको अगर एक्सट्रीम पैकेज को अगर परचेज करना है इसमें आप लोगों के लाइव क्लासेस नहीं होंगी, वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी, ई बुक्स आपको मिलेंगी, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिफेंस का जो प्रोडक्ट है आपका दैट इज़ 1299 रुपीज़ में वो आपको मिल रहा है सारा, उसमें अगर आप Y193 मेरा कूपन कोड लगा दोगे तो आपको 30% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ओके, रिपोर्ट राइटिंग को ऐसे राइटिंग भी बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, रिपोर्ट राइटिंग इज डिफरेंट, वो कंसाइज होती है, ऐसे राइटिंग आप लोगों का बिल्कुल एकदम से वो डिस्क्रिप्टिव वे से लिखना होता है बेटा। ठीक है, बुक कौन सी बेटर है, बुक बेटर है Adda 24/7 डिफेंस वर्टिकल, यही एक बुक है, इसी को ही पढ़ते रहो, बात खत्म। दूसरी बुक बेटर है द हिंदू का पेपर। ठीक है, अगर पढ़ सकते हो, पढ़ने का मादा है तो पढ़ो।
तीन घंटे कम से कम लगा दो, थ्री आवर्स एक बुक को गड्ढे खोदने में लगाओगे, थ्री आवर्स द हिंदू पे लगा दो डेली। मैं चैलेंज करता हूँ, पेपर क्लियर हो जाएगा। जाओ और बताओ और बोलो, और बोलो आज क्वेश्चन पूछो जितने पूछने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग। वो बेटा रिबा देखो अभी कोई फायदा नहीं है बताने का, क्योंकि जो भी करंट में चल रहा है इस तीन चार महीने में मैं लेता रहूंगा। ये मैंने पॉइंट आपको ले लिया, एक महीने पहले की ये न्यूज़ थी जो एयर इंडिया वाली थी, ठीक है। ऐसे ही मैं जनवरी से लेके अगस्त तक कुछ ना कुछ टॉपिक डालता रहूंगा, ठीक है, ये आप करते रहो। और बोलो सर इग्नोर कर रहे हैं अपन को, क्या करूँ। ओके वेल कम ऑन गिव मी द आंसर फास्ट। आगे और पूछिए बेटा, दिव्या धुरिया, यस सर, चलिए दैट्स ऑल बेटा, ठीक है। और अभी भी अगर आपने डिफेंस अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।